नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाले राज्य का नाम बताइए। ठीक है, कैशलेस, ध्यान दीजिएगा, कैशलेस बीमा प्रीमियम है तो ये कौन है आपका, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस बीमा के बारे में, कि अपने नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन जाएगा कौन, महाराष्ट्र पहला राज्य बन जाएगा मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम देने वाला। ठीक है, और सभी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत जो है कवर किया जाएगा। इसमें वर्तमान में अभी तक 85% लोग को कवर किया गया है और 100% को कवर किया जाना है। और अब बात करते हैं सीएम की, सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे ये सीएम है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है, गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर कौन है आपका, तो ये हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि NSTMIS द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 में किस देश को वैज्ञानिक प्रकाशनों में प्रथम स्थान रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक, NSTMIS क्या है, ये राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना है। अब आपको फुल फॉर्म बताना है कि NSTMIS का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, और अमेरिका की जो कैपिटल है वो क्या है, Washington DC, और जो करेंसी है वो US डॉलर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने COVID-19 की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किसने कर दिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। ठीक है, लार पर प्रतिबंध लगा दिया है और पसीने से भी, है ना, दोनों से चमकाते हैं बॉलर्स, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है COVID-19 की वजह से। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, तो ये कैनबरा है। ठीक है, कैनबरा क्या है, वहाँ की कैपिटल है। और PM कौन है वहाँ के, वो कौन है, जॉन मॉरिसन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने वर्ष 2020 में कितने भारतीयों को इसके सदस्य के रूप में चुना है, तो कि तीन भारतीयों को चुना है, तीन में से जो दो हैं वो आपके साइंस से रिलेटेड हैं और एक जो है वो आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ आपको, एक है शोभना नरसिम्हन, दूसरे हैं विमन बागची, ये दोनों साइंस के हैं। ठीक है, इन दोनों के नाम जो लिखे मैंने ये साइंस से हैं, और एक जो है कविता सिंह, ये आपकी आर्ट से रिलेटेड है। और सोमना बागची जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से हैं, और विमन बागची भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से हैं, और कविता सिंह JNU में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यस बैंक के नवनियुक्त जोखिम अधिकारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जोखिम अधिकारी के बारे में पूछा गया किस बैंक के, यस बैंक के, तो कौन है, ये आपका नीरज धवन है। ठीक है, इनको 3 वर्ष के लिए चुना गया है, नीरज धवन को जो है 3 साल के लिए चुना गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, नीरज धवन ने किसका स्थान लिया है, मतलब नीरज धवन से पहले कौन था, तो आपके ये आशीष अग्रवाल थे। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, आशीष अग्रवाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र के अध्ययन हेतु सिमुलेशन कोड
विकसित किया है। तो ये किसने विकसित किया है? भारतीय भूविज्ञान संस्थान ने विकसित किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड का ऐलान किया है? वार्षिक क्रिकेट अवार्ड का ऐलान किसने किया है? ये न्यूजीलैंड ने किया है। ये पहली बार होगा कि कोविड 19 के कारण कोरोना वायरस के कारण वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, किए गए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड 19 की महामारी के कारण किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? ये HDFC बैंक ने जारी किया है। HDFC बैंक ने जारी किया है। म्यूज़िक किसने दिया है? ए आर रहमान ने म्यूज़िक दिया है। ठीक है, और MD की बात करें, MD कौन है HDFC बैंक का? तो ये कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है, ये MD है, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने संन्यास की घोषणा करी है? तो किसने संन्यास की घोषणा करी है? पीटर एडबर्न ने घोषणा करी है, और इन्होंने 2002 में स्टीफन हेनरी को हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। ठीक, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।